हेलो फ्रेंड्स, नीलिमा कृष्ण में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ये कलियों वाला डोरमेट की डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। इसी में आज आपको 25 फंदे से पुरानी साड़ी से बनाना बता रही हूँ। इस 25 फंदे से ये शुरू होती है, बाद में इसमें और फंदे देखिए बढ़ भी रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ही बड़े साइज में ही आपका बनकर तैयार हो जाएगा और बहुत ही आसान स्टेप के साथ ही मैं आज इसे बताऊंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखिए, जैसे मैं इसमें अभी 12 कली बनाई हूँ तो और एक कली बनाऊंगी तो ये 13 कली में कंप्लीट हो जा रहा है। आप अगर मल्टी कलर में बनाएंगे तो 14 कली भी इसमें आप आराम से बना सकते हैं। इसी वाले डोरमेट में आपको ये 13 कली बना करके कैसे फंदे बन करके पूरा डोरमेट हम लोग कैसे कंप्लीट करते हैं ये भी बताएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी नए नए डिज़ाइन देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कैसे बना है। देखिए, अभी हमारा धागा यहाँ पे है, तब इसमें हम लोग कलर लगाएंगे। तो यहाँ पे ये येलो कलर का धागा हम लोग लगा लेते हैं। जैसा कि देख रहे, रंग बिरंगा ये बन रहा है, क्योंकि जितना भी कतरन बचा हुआ था उसी से मैं बना रही हूँ इसीलिए। तो देखिए, यहाँ से हम ये दूसरा कलर लगा लेते हैं। इसे एकदम ऊपर तक इसे बिन लेंगे। तो इसमें हम ये वाला भी हम 25 फंदे से ही बनाए हैं, तो यहाँ पे 25 फंदा ही होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए आगे इसके ऊपरी साइड में ये देखिए, इस तरह से इसमें हमारा ये 25 फंदा हो गया है। देखिए, 3, 3, 6, 3, 3, 9, 12, 15, 18, 21 और ये देखिए चार इधर है 25। तो इसी तरह से आप कांटे पे 25 फंदा ले ले। अब यहाँ से हम लोग 7 फंदा बीनेंगे। तो ये जो पहला फंदा है इसे उठा लेंगे और यहाँ से 7 फंदा इसे गिनते हुए बीनना है। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये देखिए 7, ये 7 फंदा बीन लिए। अब यहाँ पे एक हम लोग जाली डालेंगे, इस तरह से कांटे पे सिर्फ लपेट देना है बस। अब यहाँ से बाकियों को इसी तरह से उल्टा उल्टा बिनते हुए एकदम अंत तक जाएंगे और अंत में हम लोग को यहाँ पे 2 फंदे बिना बुने छोड़ने हैं। तो यहाँ तक के सारे फंदे बिन लेते हैं उल्टा उल्टा। बिल्कुल जैसे हम लोग पहला कली बनाए थे इस वाले डिज़ाइन में, वैसे ही हम लोग इसमें बना रहे हैं। तो आप फंदे लेके जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको करना है, आपका ये बन जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत आसान डिज़ाइन है। और अगर आप ऊन से इसे बनाएंगे मल्टी कलर में तो और भी सुंदर लगेगा बनने के बाद। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए आगे अंत में यहाँ हम 2 फंदा छोड़ देते हैं और यहीं से धागा को पलट देते हैं। ये देखिए, इस साइड से सबको बिनते हुए यहाँ तक के सारे फंदे बिन लेंगे, सबको उल्टा उल्टा ही बिनना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जाली जो था उसे भी हम लोग इस तरह से उल्टा ही बिन लिए, बाकियों को ऐसे ही बिन लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए आ गए हैं इसके ऊपरी साइड में इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, ये अब इसकी दूसरी लाइन है, दूसरे लाइन में भी हम लोग 7 फंदा ही बिनेंगे। तो देखिए, फिर से ये पहला फंदा उठा लेंगे और धागा सामने ला करके इसे भी गिनते हुए 7 फंदा बिन लेते हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब देखिए ये 7वां, ये 7। अब फिर से यहाँ पे जाली डालेंगे। तो इस पहले वाले लाइन में इसमें हम लोग जाली डाले थे तो ये एक फंदा बढ़ा हुआ है। फिर से 7 फंदा बिने, यहाँ पे एक जाली डाल दिए, फिर से ये बड़े वाले फंदे को भी बिन लेते हैं।
बाकियों को उल्टा उल्टा बीनते जाएंगे और उस तरफ से दो फंदे छोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आगे बीनते हुए अंत में यहाँ दो फंदा छोड़ देते हैं, तो यहीं से धागा पलट देंगे, फिर वापस बीनते हुए आएंगे यहाँ पे। ऐसे ही जैसे ही देखिए दो लाइन बनाए, वैसे ही हम लोगों को और 7 लाइन बनाना है, मतलब कुल मिला के 9 लाइन बनाना है। और इधर से दो दो फंदे छोड़ते हुए 18 फंदे तक छोड़ देना है, और इधर से 7 फंदा बीनने के बाद एक फंदा जाली डाल के बढ़ा लेना है। जैसे हम ये 2 लाइन बनाए बिल्कुल वैसे ही, तो इसे और बना लेते हैं 7 लाइन सेम प्रोसेस के साथ, उसके आगे आपको हम बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बीनते हुए 9 लाइन यहाँ पे बना लिए, 9 लाइन बनाए जिसमें ये 9 फंदे हमारे यहाँ पे बढ़ गए। देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8 और ये 1 9, और इधर में देखिए जो 7 फंदा था वो 7 फंदे हैं, और इधर में ये दो दो फंदा छोड़ते हुए यहाँ देखिए 18 फंदे तक छोड़ दिए हैं यहाँ तक। अब देखिए क्या करेंगे, जो 9 फंदे हम लोग बढ़ाए हैं उसे हम लोग घटाएंगे, तो ये जो 7 फंदे उसे घटाएंगे और 2 फंदा इधर से लेके घटा देंगे। तो इस तरह से 2 फंदा को साथ में लेकर के बीन देंगे जिससे ये फंदे घट जाएंगे इस तरह से। देखिए फिर से इसे इसी कांटे पे कर देंगे और इधर वाले एक फंदा ले लेंगे, ऐसे ही करके फंदे घटा लेने हैं। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये देखिए 9 फंदे घट गए। अब यहाँ से सबको एक साथ बीनते हुए यहाँ तक के सारे फंदे बीन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से हम लोग बीनते हुए यहाँ तक कर लिए, इसमें ये 25 फंदे फिर से हो गए। देखिए 3, 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 15 18, 21, 22, 23, 24, 25। अब देखिए, अब अगर आप दूसरी कली इसमें शुरू करेंगे तो या तो फिर से जैसे हम लोग इसमें शुरू किए थे यहाँ से दूसरा कलर लगा करके, वैसे ही इसमें अब हम लोग दूसरा कलर लगा करके दूसरी कली को इसको आप शुरू कर सकते हैं यहाँ। लेकिन हम लोग का ये सारा कली कंप्लीट हो गया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो फंदे हैं इन्हें बंद कर लेंगे इस तरह से। तो मेरा डोरमेट कंप्लीट है अब, तो यहाँ से जैसे यहाँ पे फंदे बंद किए थे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे फंदे बंद कर लेने हैं हम लोग को इस लाइन में। तरह से 2 फंदे बीन लेंगे साथ में, ऐसे ही सारे फंदे बंद कर लेते हैं अंत तक। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये लास्ट वाला फंदा हम लोग को घटाना है, तो ये इस तरह से घटा देंगे और एक बार इसे बीन के अब ये वाला जो धागा है इसे यहाँ पे कट कर लेते हैं इस तरह से, अभी इसे निकाल देंगे। इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से तो ये कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग को यहाँ पे सुई धागे से सिलाई करनी है। तो देखिए ये इसका फर्स्ट कली और लास्ट कली को कैसे अटैच करेंगे, तो यहाँ पे जो 7 फंदा रह गया था हम लोग का, उसे हम लोग इस तरह से यहाँ से हम लोग को सिलाई करना पड़ेगा। एकदम ऊपर में ऐसे नहीं करना है, यहाँ से करना है, यहाँ से हम लोग ऐसे सिलाई कर लेंगे जैसे ये देखिए कली जैसा डिजाइन में आ जाएगा। ये देखिए, तो सुई धागे से इसे सिलाई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये मेरा कंप्लीट हो गया।